मोदी सरप्राइज देना चाहते हैं और वो इस हवाले से काफी काम कर रहे हैं। जो मालदीव की बात करें, उन्हें इस टाइम जो समझ लें कि परेशानी हो गई है। वी मे बी स्मॉल बट दैट डजंट गिव यू द लाइसेंस टू बुली अस। भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है और हो गया है। बिग बुलीज डोंट प्रोवाइड $4.5 बिलियन व्हेन द नेबर्स आर इन ट्रबल। बिग बुलीज डोंट सप्लाई वैक्सीन्स टू अदर कंट्रीज व्हेन कोविड इज ऑन। जो जीडीपी वहां पर ग्रो की है वो हैरान कुन तौर पर 8.4% ग्रो की है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, कल उन्होंने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया, क्या $4.5 बिलियन कोई और कंट्री दे सकता है? मालदीव्स और भारत की कंट्रोवर्सी आप सबके सामने है, लेकिन भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई है तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर पहले भी बात करते हैं जी के टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, ये इंडिया पाकिस्तान पे कॉन्टिन्यूसली एक ही बात किए जा रहा है। मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज में हेल्प दे सकते। उसने ये फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। चाइना का एक भी सबमरीन शिप हमारी नॉलेज के बिना वहां से हिल ही नहीं सकता, मतलब वो एरिया ही क्रॉस नहीं कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली फॉर चाइना एवरी शिप हैज टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड कम इन फ्रंट ऑफ अंडमान। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, कल उन्होंने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया कि हम बुली नहीं हैं, हम किसी कंट्री पे हावी नहीं होना चाहते। अगर होना चाहते होते तो हम वैक्सीन क्यों देते, और क्या $4.5 बिलियन कोई और कंट्री दे सकता है? किसी और ने दिए हैं, सीधा इशारा चाइना पे और मालदीव्स पे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ लेवीना जी, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफेंस की एनालिस्ट हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स पे लिखती है मैम। इनका बैकग्राउंड ही आर्मी से, इनके फादर आर्मी में थे, और ये अक्रॉस द कंट्री, इन्होंने अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री रही हैं क्योंकि इनके फादर आर्मी में थे, पोस्टिंग होती रहती थी। देश को इनसे बेहतर बहुत कम लोग जानते होंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम, ये जो जयशंकर साहब ने बोला कि हम किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी कंट्री को वैक्सीन दे रहे हैं, हम बुली नहीं करते, क्या मालदीव्स की सिचुएशन ऐसी है कि मालदीव्स इंडिया के खिलाफ हो चुका है, और अगर जो बिल्कुल खिलाफ हो चुका है तो इंडिया को क्या क्या डेंजर्स है इसमें? मेरे को नहीं लगता था लोगों को पता होगा कि पिछले साल एक ड्रग्स की कंसाइनमेंट पकड़ी थी विच वॉज हेडेड टू श्रीलंका एंड मालदीव्स, और ये था 25,000 करोड़ का। 25,000 करोड़, आपको मैं मंगलयान का बजट बताती हूँ, इट इज वॉट 450 करोड़, राइट? दिस कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स अलोन विच इंडियन नेवी अलॉन्ग विद NCB दे गॉट दिस, ये कुछ मैं पकड़ा था, दिस वॉज 25,000 करोड़। एंड ये जो ड्रग्स स्मगल करते हैं, ये जो एरिया है, दैट एरिया ऑफ मालदीव श्रीलंका, ये एक ड्रग्स नार्कोटिक्स टेररिज्म का एक एरिया है। तो ये अगर हम यहाँ पे इसको पनप, यू नो, इफ वी लेट इट ग्रो, तो इट विल इफेक्ट अस। जैसे श्रीलंका में ईस्टर ब्लास्ट हुआ था, वी नो इट इज लाइक अ टिकिंग बॉम्ब। अगर हम लोग कुछ करेंगे नहीं मालदीव्स को, और मालदीव्स का क्या है कि 1200 आइलैंड्स हैं, तो लॉट ऑफ दीज आइलैंड्स आर नॉट ऑक्यूपाइड। एंड आई रिमेम्बर लॉन्ग अगो ISI हैड स्टार्टेड ड्रॉपिंग, अपना मतलब पाकिस्तान के स्पाई एजेंसी ISI हैड स्टार्टेड ड्रॉपिंग इट्स रूट्स इन मालदीव्स। इनफैक्ट इट इज बिलीव्ड कि ISI की वजह से चाइनीज गॉट क्लोजर टू मालदीव्स, यू नो, बिकॉज ये जो नार्कोटिक्स टेररिज्म, ये जो नेटवर्क है, एक तो ये ISI से चला ISI चलाती है, सो दे नीड सच बेसिस। एम्प्टी आइलैंड्स आर गुड अट्रैक्शन फॉर देम, राइट? इट इज हम लोग एक तो मालदीव्स का जो जो सबसे ऊपर वाला आइलैंड है वो इंडिया से हार्डली 100 किलोमीटर दूर है। भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है और हो गया है कि वो जो साउथ एशियन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस लाइक सार्क हैं उनको उन्होंने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है।
साउथ एशिया के अंदर एक जो इंस्टीट्यूशन था, एक मल्टीलैटरल फोरम था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो 1985 में एस्टैब्लिश हुआ, और उस वक्त बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसके मेंबर थे। आई थिंक बाद में अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन किया। क्वेश्चन इज के जो सार का मकसद था वो ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होनी है, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस खित्ते को क्या चाहिए, लेकिन भारत समझता है कि आज सार की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान ने सार को कैसे कमज़ोर किया कि पाकिस्तान ये समझता है कि मुझे अपने ताल्लुकात या मुझे अपना रिलेशनशिप जो है वो खित्ते के बाहर से चाहिए। सो पाकिस्तान को जब भी अपनी सिक्योरिटी के मुतलक चीज़ें चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो पाकिस्तान सीधा अमरीका भागता था और वहाँ से अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस लेता है। इंडिया भी अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस पहले बाहर से लेता रहा, लेकिन बाद में इतना तगड़ा हो गया कि उसको अब सिक्योरिटी एश्योरेंसेस उस तरह की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जिन्होंने कल एक डिस्कशन में ये कहा कि सार्क जो है ना इज डेड, और वो एक डॉक्टर जयशंकर पहले भी बात करते हैं जी कि टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, ये इंडिया पाकिस्तान पे कॉन्टिन्यूसली एक ही बात किए जा रहा है। सो पाकिस्तान कह रहा है, और देन डॉक्टर जयशंकर कहते हैं जी टेररिज्म इंडिया से, पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के हवाले से नहीं करता, और भी खित्ते के बहुत सारे ममालिक हैं, और तो कोई मुल्क बात नहीं करता अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के सारी बात इश्यूज़ हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस इतनी कम हो गई है कि बाकी खित्ते के ममालिक ने समझा कि इनसे हमारा अब लेन देन ही कोई नहीं है। सो डॉक्टर जयशंकर जो बात करते हैं कि सार्क की जब रिवाइवल की बात करते हैं, तो असल में हम ये बात करते हैं कि क्या हम इस मुल्क के साथ ताल्लुकात चाहते हैं कि नहीं चाहते। सो इंडिया ने, मैंने आपको बहुत देर पहले से कहना शुरू कर दिया था, इंडिया ने पाकिस्तान को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया, वो समझते हैं कोई जरूरत ही नहीं है। द मोमेंट वी स्टार्ट डायलॉग विद पाकिस्तान, द मोमेंट पाकिस्तान विल गेट मेन स्ट्रीम, सो नेवर लेट पाकिस्तान गेट मेन स्ट्रीम। पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम नहीं होने देना, दिस इज वॉट इज द प्लान ऑफ डॉक्टर जयशंकर एंड इंडिया, और And so far they have been very successful. लेकिन भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई है, तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं। अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को IMF बेलआउट चाहिए, और इसके लिए मालदीवियंस पुकार लगा रहे हैं। मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज में हेल्प दे सकते हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है वो जो IMF बेलआउट में हमारी मदद कर सकते हैं। कि पहले जो कंट्रोवर्सी छिड़ी है भारत और मालदीव्स के दरमियान, मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया है, ये साफ नजर आ रहा है। हर चीज में उनको भारत की मदद चाहिए, मालदीवियंस खुद पुकार लगा रहे हैं भारत को। दुनिया PM मोदी को हमेशा अपने बुरे वक्त में याद क्यों करती है? भारत की इतनी इंपॉर्टेंस कैसे है? मालदीव्स ने बड़ी बदतमीजी की थी भारत के साथ, लेकिन अब मालदीव्स घुटनों पे हमें दिखाई दे रहा है। मालदीव्स देखे, मालदीव्स ने तो बड़े बदतमीजी की थी उनके साथ, अब वो उनसे मदद चाहते हैं। कि भारत वाकई दुनिया की मदद करता है? एज कम्पेयर टू अगर हम अपनी बात करते हैं, तो हम लोगों ने 76 सालों में क्या अपनी इमेज बनाई है कि तालिबान हमें आंखें दिखाते हैं, बंगाली हमें आंखें दिखाते हैं, लेकिन माफी कोई नहीं मांगता।